ये स्टार्टिंग पॉइंट है स्ट्रीट का, द मोस्ट क्रूकेडेस्ट स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड, लोम्बार्ड स्ट्रीट। मशहूर जर्मन फिलोसफर गोबेल्स ने कहा था कि झूठ को बार बार बोला जाए तो वो लोगों को एक दिन सच लगने लग पड़ता है, और यही फार्मूला इस्तेमाल किया गया है ऐसे शख्स के बारे में जिसके स्टैचू के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ये स्टैचू उस शख्स का है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, यानी कि अमेरिका डिस्कवर किया था। इसमें कितना सच है और कितना झूठ, जब मैंने इस बारे में थोड़ी रिसर्च की तो बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे सामने आए, जिनमें से ये था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कभी अमेरिका दरियाफ्त किया ही नहीं था, बल्कि जो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना कदम रखा ही नहीं था। पहली बात तो यह है कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया ही नहीं था, बल्कि कोलंबस तो अपनी तरफ से एशिया को खोजने के लिए पानी के रास्ते से निकला था। उसकी एक वजह यह थी यूरोप जो था वो ऑटोमन्स के ज़ेरे तसल्लुत था, उनके कब्ज़े में था, तो वहाँ से ज़ाहिर है उनके लिए जाना मुश्किल था क्योंकि यूरोपियंस और ऑटोमन्स के ताल्लुकात आपस में इतने अच्छे नहीं थे, तो वो खुश्की के रास्ते नहीं जा सकते थे, क्योंकि यूरोप से एशिया जाने के लिए आपको टर्की से होकर गुजरना पड़ता है, और टर्की पर ऑटोमन्स की हकूमत थी। तो कोलंबस ने ये तजवीज़ पेश की हमें कोई पानी के रास्ते से एशिया जाने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के उसने अपने जो उस वक्त स्पेन का बादशाह था बादशाह फर्डिनेंड और उसकी मलका, उसने उससे बात की और उन्होंने उसके इस प्रोजेक्ट को फंड किया यानी स्पॉन्सर किया। वहाँ से निकला एशिया के रास्ते को खोजने के लिए। तो ये बात है तकरीबन 1492 की। और मज़े की बात यह है कि कोलंबस मरते दम तक अमेरिका को इंडिया, क्यूबा को जापान और डोमिनिका को चीन समझता रहा। इसकी थ्योरी को गलत साबित किया कि बाद के आने वाला जो सयाह था अमेरिको वेस्कुशी ने, जो कि इटालियन सयाह था और इसके साथ वो कुछ टाइम गुजार चुका था, उसने बताया कि कोलंबस जिस जगह पहुंचा वो एक नया कॉन्टीनेंट था, एक नई दुनिया थी, और इसी शख्स के नाम पे आगे जाके अमेरिका का नाम रखा गया, यानी कि अमेरिगो से अमेरिका। कोलंबस के यहाँ पहुँचने के बाद यूरोपियंस को पता चला कि यूरोप और एशिया के दरमियान भी कोई कॉन्टीनेंट मौजूद है, वरना उससे पहले यही समझते रहे कि यूरोप और एशिया के दरमियान कोई कॉन्टीनेंट कोई ज़मीन का किताब मौजूद नहीं है। कोलंबस के यहाँ पहुँचने से पहले बहुत से सयाह ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके थे, यहाँ पर आबादी भी मौजूद थी जिनको नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं, और इन्हीं नेटिव अमेरिकन्स को आगे जाके यूरोपियंस रेड इंडियंस का नाम दिया। मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं पीछे ये कोइट टावर्स है, यहाँ से आप पूरे सैन फ्रांसिस्को सिटी का 360 व्यू नज़ारा कर सकते हैं। ये टावर है, इसकी मेरे को टिकट भी $9 की है, मैं जाके पता करता हूँ फिर मैं इसके अंदर जाता हूँ। टावर पे पहुंच चुका हूं और 1933 में बनने वाले इस टावर की जो लंबाई है तकरीबन 210 फीट है, और इसके बारे में आपको ये बताता चलूं कि यहां पे मुख्तलिफ मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। ये सामने पैसिफिक ओशन है और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो छोटा सा जजीरा, ये अल्कैट्राज़ आइलैंड कहते हैं इसको, और यहाँ पे पिछले ज़माने की एक बहुत पुरानी जेल है, ये अब तो फंक्शनल नहीं है, अब तो इसको उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन ये शुरुआत में 1970s तक तो ये ऑपरेशन रही है, और यहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल कैदियों को, बहुत हाई प्रोफाइल जो मुजरिम होते थे उनको यहाँ पे रखा जाता था। जो टावर की सैर करने के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आया ऊपर जाके। अब मैं आगे एक और जगह जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं लोम्बार्ड स्ट्रीट, तो मैं जाके वहाँ पर आपको बताता हूँ कि वो कैसी जगह है और वहाँ पर वो जगह किस चीज़ के लिए मशहूर है। दिखाने ले जा रहा हूँ द मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि मोस्ट क्रूकेडेस्ट स्ट्रीट। मतलब ये है कि जो स्ट्रीट बहुत ज़्यादा कर्वी हो, बहुत ज़्यादा एंगल्ड हो, और इसको बनाने का मकसद ये था क्योंकि स्ट्रीट बहुत ज़्यादा स्टीप में है तो ज़्यादा इंसिडेंट्स भी हो सकते थे, क्योंकि गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ लेती और ब्रेक्स फेल होने की वजह से नुकसान हो सकता था, तो इन्होंने इस स्ट्रीट को ऐसा बनाया है यानी कि कर्वी ज़िगज़ैग टाइप में। क्योंकि सैन फ्रांसिस्को की एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तकरीबन हर साल एक कोई 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको विज़िट करते हैं। क्योंकि मैं मुसलसल चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ तो इसलिए मेरी सांस भी फूल रही है और मुसलसल स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। We'll be right back.
ये जो आप बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स देख रहे हैं साथ एक ही स्टाइल की और एक ही तर्ज तमीर की, विक्टोरियन स्टाइल है, विक्टोरियन तर्ज तमीर है, यहाँ पे आके ना मुझे थोड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग हुई। वो इस तरह से कि इन बिल्डिंग्स को देख के मुझे एक मशहूर कॉमेडी सिटकॉम याद आ गया जो कि पी टी वी में अर्ली 90s के दिनों में आया करता था, दी फुल हाउस के नाम से, आपको भी याद होगा। तो दी फुल हाउस की जो इंट्रो टाइटल था उसमें ये बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं, बैकड्रॉप में ये सात बिल्डिंग्स होती हैं और उसकी जो कास्ट होती है सामने पार्क में बैठी होती है। ये जो पार्क है ना, ये वाला, इस पार्क में कास्ट बैठी होती है और बैकड्रॉप में बिल्डिंग्स दिखा रहे होते हैं। तो सारा मुझे वो बचपन का ज़माना याद आ गया यहाँ पे आके।